प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधान न्यायाधीश यानी कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यहाँ जाकर के भगवान गणेश की आरती की और इसी पर भारी विवाद अब खड़ा हो गया। कुछ लोग इसे न्यायपालिका की पवित्रता पर दाग की तरह देख रहे हैं तो एक वर्ग विरोधियों की बौखलाहट देकर खुशी का इजहार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए खुद इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके गणेश आरती की तस्वीर साझा की। देखिए पीएम ने लिखा कि सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी के घर पर गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान श्री गणेश हम सभी को सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, लेकिन अब इसके बाद सियासत शुरू हो गई है। गणपति विराजे थे सीजीआई के घर और उसी गणपति पूजन में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इसी तस्वीर के बाद क्या सियासत शुरू हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारे जो केस है महाराष्ट्र में जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। हमारे एक नेता विदेश में जाके बहुत से एंटी इंडियन से उन लोगों ने बात किया, मीटिंग की, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। ना संजय राउत जी बोलेंगे, ना कोई कांग्रेस का नेता बोलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी सीजेआई के यहाँ चले गए। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन अगर है हमारे जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, ये इसका इसकी तारीफ होनी चाहिए, तो इसकी शिकायत होने लगी। मुझे आश्चर्य होता है इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं उस पर आप आपत्ति करते हैं और वहां अमरीका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं उस पर आपत्ति नहीं है। जो पीओके के साथ खड़ा है, जो देश को बेचना चाहता है, जो हिंदुस्तान के विपरीत बुद्धि रखती है, उसके साथ मिलने से कोई आपत्ति नहीं है। चीन के राष्ट्राध्यक्ष प्रीमियर से मिलते हैं, सी जिनपिंग जी के साथ गुफ्तगू करते हैं और एमओयू चोरी चोरी चुपके चुपके देश को बेचने का करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। जॉर्ज सोरोस से रात के अंधेरे में मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, देश के चुने हुए राष्ट्रपति, चुने हुए इनडायरेक्टली, और अगर सीजेआई इन लोगों के बीच में इंट्रैक्शन होता है तो आपको उससे आपत्ति होती है। गणेशोत्सव के दौरान सभी लोग, हम तो अपने विरोधियों के घर पे भी जाते हैं। मैं स्वयं इतने सालों से, इतने दशकों से जिनके घर पे गणपति रहता है उनके घर पे भी जाते हैं। हर ऐसे धार्मिक त्योहार में इस पर राजनीतिकरण नहीं किया जाता है। तो मैं मानता हूं कि कल यदि प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर गणपति दर्शन करने गए थे तो इसका राजनीतिकरण करना मैं मानता हूं ये उचित नहीं होगा, बहुत ही गंदी राजनीति है। Zee News.